नमस्कार। तो अब भारत में 1 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस केस हो गए हैं। हाँ, सरकार की तरफ से सही बात कहती जाती है कि जो फेटालिटी रेट इंडिया में है वो कम है। जितने लोगों को कोरोना वायरस है और जितने लोग मर रहे हैं, अगर आप वो रेशियो को देखेंगे तो भारत में उतने ज्यादा लोग नहीं मर रहे हैं जितना अन्य देशों में लोग मरते हैं अगर उनको कोरोना वायरस हो जाता है। पर फिर भी 1 लाख केस अब भारत में है, और जैसे लोग घूमते जाएंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते जाएंगे, शहरों में अब लॉकडाउन खत्म ही हो रहा है, तो हो सकता है कि केसेस बढ़ते जाएंगे। तो हर एक को कुछ ना कुछ जरूरी है कि हमें अपने मन में रखना चाहिए कि नंबर वन, मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है, हाथ धोना बहुत ही जरूरी है, एक दूसरे से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करना वो भी बहुत ही जरूरी है। ये नियम ऐसे हैं जिनका हमें पालन करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं शायद महीनों के लिए करना पड़ेगा। और इन नियमों का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है, हर एक के लिए अनिवार्य है। पर आज जैसे सब लोग कोरोना वायरस के बारे में चिंतित तो हैं ही, पर अब साइक्लोन की भी चिंता लोगों के मन में है, क्योंकि साइक्लोन आ रहा है, वेस्ट पश्चिम बंगाल उड़ीसा के पास साइक्लोन पहुंचने वाला है और इसलिए वहां से कई लोगों को हटाया गया। चलिए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब भारत में कुल कंफर्म मामलों की संख्या 1,01,139 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 3,163 हो गई है। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,970 नए मरीज मिले हैं और 134 लोगों की जान गई है। राहत की बात यह कि अब तक 39,174 लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट सुधर कर 38.73% पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और अन्य कई राज्यों में कोविड-19 के कई हजार नए मामले सामने आए हैं। देश में महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में अभी तक कोविड-19 के 35,058 मामलों की पुष्टि हुई है और राज्य में लगातार 2 दिन से 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में 11,760 लोग, गुजरात में 11,745 और दिल्ली में 10,054 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 30 जनवरी 2020 भारत में कोरोना वायरस की एंट्री। केरल का एक छात्र जो वुहान के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, जब छात्र छुट्टी बिताने अपने घर केरल के त्रिशूर आया तो उसमें कोरोना के लक्षण मिले। जांच में पता चला कि वो कोरोना से संक्रमित है। 19 मई 2020 लगभग 3.5 महीने के बाद भारत में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। हम कैसे 3.5 महीनों में ही यहाँ तक पहुँचे? भारत में शुरुआती 100 केस पहुँचने में 45 दिन का समय लगा था, वहीं 100 से 1,000 केस पहुँचने में महज 14 दिनों का वक्त लगा। अगले 16 दिनों में भारत का नंबर 10,000 तक चला गया और फिर देश में कोविड-19 की संख्या 20,000 को पार करने में सिर्फ 8 दिन लगे। लगभग 10,000 मामलों में 7 दिन लगे और उसके 4 दिनों बाद ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 40,000 पहुंच गई। उसके बाद भारत में 40,000 से 50,000 कोरोना के केस पहुंचने में सिर्फ 3 दिन लगे। उसके बाद अगले 7 दिनों में भारत में 25,000 नए केस सामने आए, जिससे भारत की टैली 75,000 तक पहुंच गई। और आखिर के 6 दिनों में भारत में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज रही और ये आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। आखिर के कुछ दिन भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज रही। देश भर में हर रोज हर 24 घंटे में 5,000 कोरोना के नए मामले सामने आते रहे। आज भारत कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया भर में 11वें नंबर पर आ खड़ा है। संक्रमण के मामले में भारत चीन को भी पीछे छोड़ चुका है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन राहत भरी खबर ये है कि भारत में रिकवरी रेट सुधर कर 38.73% पर पहुंच गया है। साथ ही मरने वालों का आंकड़ा सिर्फ 3% है। अब तक करीब 40,000 लोग रिकवर होकर घर लौट चुके हैं। देश में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे प्रभावित राज्यों में शामिल है। भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत तो शहरों से हुई, लेकिन आज देश के 736 जिलों में से 550 जिलों में कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है। आखिर के 15 दिनों में देश भर के 170 जिलों में कोरोना ने अपना कदम रखा है। पिछले 1 मई से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। बताया गया कि प्रवासी मजदूरों के अपने घर लौटने के बाद ये नंबर बढ़े हैं।
और शुरू में कोरोना के केस अमूमन शहरों में देखने को मिलते थे, लेकिन मजदूरों की घर वापसी के बाद गांव तक कोरोना संक्रमण पहुंचा है। अब भारत में 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो गया है। 24 मार्च से देश भर में हुए लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी आर्थर डिलिटल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि लॉकडाउन की वजह से भारत में 13.5 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं। साथ ही रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि भारत में आने वाले दिनों में गरीबी अपने चरम पर होगी, जिससे भारत की जीडीपी में भी भारी गिरावट आएगी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस का पीक टाइम जुलाई से अगस्त के बीच में आ सकता है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। राज्य में सोमवार को 103 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद बिहार में कुल मरीजों की संख्या अब 1423 हो गई है। पिछले 8 दिनों में अधिकतर मरीज बाहर से लौटने वाले प्रवासी मजदूर हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 11,800 प्रवासियों के कोरोना संक्रमण की जाँच की गयी है। इनमें से 651 कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं राज्य में कोरोना महामारी से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 473 हो गई है। राज्य के सभी 38 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। पटना राज्य में अब सबसे ज्यादा कोरोना मरीज वाला जिला बन गया है। इसने संक्रमितों की संख्या में रविवार को मुंगेर को पीछे छोड़ दिया। पटना में संक्रमितों की संख्या 164 हो गई है। भारत में भले ही कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या चिंता को बढ़ाने वाली हो, लेकिन इस बीच एक आंकड़ा राहत देने वाला भी है, और वो ये कि भारत में कोरोना पीड़ितों के ठीक होने की दर अमेरिका से 20 गुना बेहतर है। अमेरिका में जब संक्रमण के कुल मामले 1,00,000 थे, तब सिर्फ 2% लोग बीमारी से ठीक हो पाए थे, जबकि भारत में करीब 40% लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। जानकारों के मुताबिक भारत में लोगों के ठीक होने की दर कई देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। नीति आयोग के मुताबिक देश में प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 2 लोगों की मौत हो रही है, जबकि अमेरिका में ये संख्या 275 और स्पेन में 591 है। कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में कई देश इस महामारी की वैक्सीन की खोज में जुटे हैं। अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन बनाने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। सोमवार को कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन मरीजों पर उसके mRNA वैक्सीन का ट्रायल किया गया, उसके शरीर में उम्मीद से अच्छी इम्यूनिटी बढ़ी है और साइड इफेक्ट्स भी मामूली है। मॉडर्ना ने कहा कि वो परीक्षण के दूसरे चरण में 600 लोगों को शामिल करेगी, जो जल्द शुरू होगा। परीक्षण का तीसरा चरण जुलाई में शुरू होगा, जिसमें हजारों लोगों को शामिल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अगर तीसरा चरण सफल रहा तो कंपनी वैक्सीन बनाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकेगी। बता दें कि मॉडर्ना पहली दवा कंपनी है जिसने अपनी आरएनए आधारित वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। यूपी सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रदेश के बंद ताले को खोलने की हर मुमकिन कोशिश की है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सूबे की सरकार ने बाकी इलाकों में लगभग सभी गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दे दी है। सभी बाजार और फैक्ट्री खुलेंगे। हालांकि शहरों में दुकानों को खोलने के लिए दिल्ली की तर्ज पर ऑड इवन फार्मूला लागू होगा। रेस्टोरेंट खुलेंगे पर सिर्फ होम डिलीवरी होगी। मिठाई के दुकान भी खुलेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा स्पा और सलो भी खुलेंगे। प्रदेश में निजी वाहनों के साथ साथ कुछ हद तक सार्वजनिक वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि गाइडलाइंस के मुताबिक अभी एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई बस सेवा या किसी तरह का ऐसा वाहन नहीं जा सकता है जिसमें यात्री सवार हों। पूरे राज्य में किसी भी चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 लोग ही बैठ सकते हैं। दोपहिया वाहन के लिए सिर्फ 1 व्यक्ति को सफर की इजाजत है। हालांकि अगर पीछे महिला बैठी होगी तो मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा जो लोग नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली आते जाते हैं, उनके कंटेनमेंट इलाके में जाने की पाबंदी होगी। कुल मिलाकर लॉकडाउन 4 न सिर्फ राहत देने वाला बल्कि आर्थिक ढांचे को भी रफ्तार देने वाला है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर मंगलवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ लग गई। बिहार जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के इरादे से यहां हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए।
इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। दरअसल यहां से श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रवाना होना था, लेकिन इसमें उन्हीं लोगों को जाने दिया गया जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि स्टेशन के सामने हजारों की भीड़ पहुंच गई। इससे पहले पिछले महीने भी मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए और घर भेजने की मांग करने लगे थे। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर एक बड़ा संकट खत्म कर दिया है। अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए डेस्टिनेशन स्टेट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए बकायदा मानक परिचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी कर दिया है। इसके बाद अब गंतव्य राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं रह गई है। इससे पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी देने में कोताही बरत रहे हैं। समझा जा रहा है कि इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। रेलवे के मुताबिक 1 मई से लेकर अब तक 1414 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इससे लगभग 18,50,000 प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है। देश में सबसे ज्यादा यूपी में 258 नई ट्रेनों को स्वीकृति दी है, जिससे यूपी आने वाली ट्रेनों की संख्या 914 हो गई है। लॉकडाउन 4 में थोड़ी छूट मिली तो दिल्ली की सड़कों पर पसरा सन्नाटा शोर में बदल गया। कुछ एहतियात के साथ गाड़ियों के आवागमन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हरी झंडी मिली तो सड़कों पर इसका असर भी दिखा। देश की राजधानी में गाड़ियों की लंबी कतारें एक बार फिर से आम दिखी। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 को लेकर जारी गाइडलाइंस के बाद दिल्ली सरकार ने अपनी भी गाइडलाइंस सोमवार को जारी की, जिसमें बसें, टेम्पो, टैक्सी और निजी वाहनों को थोड़ी दिशा निर्देशों के साथ चलाने की इजाजत दी गई। बसों में जहां 20 से ज्यादा लोग सफर नहीं कर सकेंगे, वहीं टेम्पो में 1, टैक्सी में 2 और बाइक पर 1 लोग सवार होंगे। बहरहाल दिल्ली दौड़ी तो जरूर है, लेकिन इसके साथ केजरीवाल सरकार के सामने चुनौतियां भी भरपूर होंगी। बता दें कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार जा पहुंची है। देश में जारी कोरोना संकट को लेकर पहली बार 15 विपक्षी दलों की ऑनलाइन बैठक एक साथ होने जा रही है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक शुक्रवार यानी 22 मई को दोपहर 3 बजे से होगी। मीटिंग में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और DMK नेता स्टालिन सहित कई दलों के दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के CM भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में प्रवासी मजदूरों और कोरोना संकट से निपटने के मोदी सरकार के कदमों पर चर्चा होगी। मौसम विभाग के मुताबिक सुपर साइक्लोनिक चक्रवात अम्फान बुधवार यानी 20 मई को जमीन से टकराएगा। विभाग के अनुमान के मुताबिक तूफान का लैंडफॉल बांग्लादेश के हटिया और भारत के पश्चिम बंगाल का दीघा इलाका हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस तूफान के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान का आसार है, लिहाजा सरकार और राहत बचाव दल पूरी तैयारी के साथ स्थिति को संभालने में जुटे हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान का असर भारत में नजर आने लगा है। इस तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में मंगलवार दोपहर मूसलाधार बारिश हुई और कई कई फीट तक पानी जमा हो गया। वहीं NDRF लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और उसकी तरफ से 15 टीमें ओडिशा और 19 टीमें पश्चिम बंगाल में तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल के लिए बल ने 2 अतिरिक्त टीमों को भी स्टैंड बाय पर रखा है। NDRF के DG के मुताबिक ये सभी टीमें तूफान की जद में आने वाले क्षेत्रों में लोगों को जानकारी देने और उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम कर रही हैं। सरकार ने तूफान से निपटने के लिए तैयारियों को सही दिशा में बढ़ता हुआ बताया है।